जय हिंद प्यारे छात्रों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, खासकर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, इसमें बेटा आज हम बताएंगे कि रॉक साइकिल क्या है। हालांकि इसका वीडियो पिछले भी मैंने बनाया था, लेकिन बहुत क्लियर नहीं था, और ये चैप्टर वाइज अभी एक एक वीडियो इसमें बनता रहेगा। रॉक्स साइकिल क्या है, फिर रॉक्स का क्लासिफिकेशन, फिर रॉक्स और रॉक्स रिलेटेड वेदरिंग, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक आगे की तरफ अब चलेगा। तो इस लाइव क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है, और इस लाइव क्लास में आज आपको बताएंगे रॉक्स साइकिल क्या है, रॉक्स साइकिल किसे कहते हैं, रॉक साइकिल के अंतर्गत कौन कौन से रॉक्स, इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको जानना है कि मैग्मा क्या होता है, क्योंकि जो रॉक का निर्माण होता है वो मैग्मा से ही होता है। आप ये भी कह सकते हो कि जब मैग्मा या लावा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लावा, जब इसकी लावा जब ये कूलिंग होता है तो कूलिंग होने के बाद इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। दो चीज़ और कह सकते हो कि कूलिंग एंड हार्डनिंग, कूलिंग एंड हार्डनिंग, मतलब जब कूलिंग होता और ठंडा होकर के ठोस होता है तो उससे इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। और इसमें बेटा आप लोग अगर पर डे अपना एक लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे नाम का जिलाजी सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उस चैनल को जाकर के अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पर डे उसमें नोटिफिकेशन, जो भी नया नोटिफिकेशन वीडियो का होगा वो उसमें आपको मिलता रहेगा। तो बेटा ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं रॉक साइकिल। जब कभी साइकिल प्रोसेस की बात होती है तो इसका मतलब कहाँ है, जहाँ से शुरू हुआ फिर वहीं पर आकर के रुक जाए। आप लोग देखो यहाँ से शुरू फिर आकर के यहाँ तक पहुँचता, मतलब एक पूरी एक चक्रीय क्रम में ये चलता रहता है। मृदा निर्माण के लिए हम उसके पहले मृदा निर्माण के पहले हम रॉक्स की बातें इसमें करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, मैग्मा होता है, मैग्मा या इसी को हम लावा कहते हैं। और लावा जब एक कूलिंग होता है और हार्डनिंग होता है, मतलब ये ठंडा होगा और ठोस होगा, ठंडा और ठोस होकर के फिर क्या करता है, इग्नियस रॉक्स का निर्माण करता है। इसका नाम इग्नियस रॉक्स इसलिए पड़ा, इग्नियस मीन्स आग, जो आग के तरीके से लावा क्या था, गर्म था, और जब वो लावा गर्म होकर, जब वो लावा ठंडा होकर के ठोस होता है तो अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। तब ये क्या करता है बेटा, अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। और अग्नि चट्टान जो होता है ये काफ़ी ठोस होता है, क्या होता है, काफ़ी ठोस होता है, और इनमें परतों का अभाव होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बाद में फिर आता है वेदरिंग एंड इरोजन। जैसे सपोज करो कि लावा का उद्गार हुआ, क्या हुआ बेटा, लावा का उद्गार हुआ, लावा का उद्गार होने के बाद जब ये लावा पृथ्वी के ऊपर आया, कभी कभी पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, अभी आगे उसको बताते हैं, जब ये पृथ्वी के ऊपर आया तो यहाँ का टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल था, तो इस टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में आकर के क्या होता है, ये बिल्कुल ठोस हो जाता है, और ठोस एक पिंड बना लेता है, क्या होता है बेटा, ठोस एक पिंड बना लेता है, और जो ठोस पिंड बनाता है, जो ठोस चट्टान बनाता है, उसी को हम अग्नि चट्टान कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान कहते हैं। अब इस अग्नि चट्टान में क्या होता है, वेदरिंग होता है या इरोजन होता है, किसके प्रभाव से होता है, इसमें दो प्रभाव से होता है, एक वाटर के मतलब, और दूसरा क्या होता है, विंड के, एक वाटर और एक विंड, ये दो मेन एजेंट होते हैं वेदरिंग कराने के लिए। तो इन दोनों के प्रभाव से, सपोज करो कि ये ठोस पिंड है, इसके ऊपर कोई नदी बह रही है, तो जब बेटा इसके ऊपर कोई नदी का पानी बह रहा है, प्रेशर से आ रहा है पानी प्रेशर से, तो जब ये पानी प्रेशर से आएगा तो कहीं ना कहीं ये चट्टानों से टकराएगा, और चट्टान से जब वो टकराएगा तो टकरा करके फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और जब वो टूटेगा तो किस रूप में टूटता है बेटा, सेडिमेंट के रूप में टूटता है, किस रूप में टूटता है, सेडिमेंट्स के रूप में। जैसे ये था, अब ये कोई चट्टान था, अब इसके ऊपर कोई नदी का बहाव हुआ,
जिसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटा, तो जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। इसी को हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवसाद। तो ये जब ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स के रूप में टूटता है तो टूटने के बाद फिर वेदरिंग एंड इरोजन, इसके ऊपर भी वेदरिंग और इरोजन फिर से कार्य करता है और यहाँ पर क्या होता है, इसका सेगमेंटेशन होता है और सेगमेंटेशन हो करके जब वो एक परत के रूप में बन जाता है, क्या होता है, ऐसे आया है छोटे छोटे सेडिमेंट्स के रूप में और जब इसका सेगमेंटेशन होगा, कंपैक्टनेस एंड सेगमेंटेशन, ये दूसरे से ऐसे जमता हुआ चला जाएगा तो इस तरीके से जो एक परत बनेगा उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अवसादी 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 चट्टान। क्या बोलते हैं बेटा? अवसादी चट्टान, क्योंकि यह अवसाद के रूप में आकर के रुक जाता है, अवसाद के रूप में आकर के ये जम जाता है, इसलिए इसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसको हम तलछटी चट्टान भी बोलते हैं। क्यों तलछटी चट्टान बोलते हैं? जैसे सपोज करो कि ये कोई तालाब है और तालाब के नीचे की ये तली है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इस तली में आकर के यहाँ पर क्या होते हैं, आकर के रुक जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तल, यहाँ पर तलछटी चट्टान के नाम से भी इसको जानते हैं, जो मतलब तलछट पर, मतलब परत पर जो नीचे आकर के रुक जाता है, इसलिए इसको हम तलछटी चट्टान के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है बेटा, इसको हम परतदार चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेडिमेंट टूटता है ये सेडिमेंट ऐसे परतों के रूप में बढ़ रखता हुआ जमता हुआ चला जाता है। ये जो सेडिमेंट्स होता है बेटा, ये परतों के रूप में ऐसे रुकता हुआ चला जाता है, इसलिए इसको हम परतदार परतदार चट्टान के नाम से भी परतदार चट्टान के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परतदार चट्टान। तलछट में था इसलिए तलछटी चट्टान, अवसाद के रूप में पड़ा इसलिए अवसादी चट्टान, उसके बाद में फिर ये परतों के रूप में जमता चला जाता है, इसलिए इसको हम परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ क्या होता है बेटा, कि सेडिमेंट्स के बाद फिर ये मेटामॉर्फिक रूप में इसका निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक, देखिए कभी कभी होता है कि हिंदी बहुत आसानी से याद हो जाता है, तो मेटामॉर्फिक इसको हम हिंदी में कहते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान के नाम से हम जानते हैं। अब रूपांतरित मतलब रूप का परिवर्तन, रूप का परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? यहाँ पर बेटा दो चीज़ें, हीटिंग एंड प्रेशर, हीटिंग एंड प्रेशर मतलब ताप तथा दाब के कारण, ताप तथा दाब के कारण। सपोज करो बेटा कि कोई एक ये चट्टान है, कोई एक ये चट्टान है, अब ये सपोज करो कि एक यहाँ पर क्या है, इग्नियस, यहाँ पर क्या है, इग्नियस है और एक क्या है, सेडिमेंट्री है। ये क्या हुआ कि काफ़ी दिन तक दबा रहा, काफ़ी दिन तक दबा रहा, तो उसके ऊपर दाब पड़ेगा, तो दाब पड़ के इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, और जब इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो इसलिए इसको हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। या ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताप पड़े तो ताप के कारण हो सकता है इसके रूप में परिवर्तित हो जाए, तो जब ताप के कारण इसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको भी जो रूप में परिवर्तित होगा उसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं, उसी को हम रूपांतरित चट्टान जानते हैं। तो रूपांतरित चट्टान के नाम से लाइट आंसर, उस रूपांतरित चट्टान के नाम से इसको हम जानते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर आप देखते हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, मीन्स आपका सेडिमेंट्स है, और इस सेडिमेंट्स का क्या होगा कि वेदरिंग एंड इरोजन, क्या होगा, वेदरिंग एंड इरोजन, इससे भी मेटामॉर्फिक का, या ये सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री है इसमें हीटिंग एंड प्रेशर, तो इससे भी मेटामॉर्फिक का, या आपका सपोज करो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स के ऊपर भी अगर हीटिंग एंड प्रेशर मतलब ताप और दाब पड़ता है तो उससे भी मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यह कोई एक इग्नियस रॉक्स है और इस इग्नियस रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिन तक यह दबा रहा, तो दबने के कारण इसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा,
तभी ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। या कभी कभी होता है कि काफ़ी ज़्यादा ताप पड़ता है तो उस ताप के कारण भी वो अपने रूप में परिवर्तित कर देता है, तो उसको भी हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दें, सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एग्जाम्पल है सैंड स्टोन। क्या होता है बेटा? सैंड स्टोन। अब ये आपका जो सैंड स्टोन है, ये सैंड स्टोन जब काफ़ी दिन तक दबा रहता है तो ये चेंज किस रूप में होता है? क्वार्ट्ज के रूप में। किसके रूप में बेटा होता है? क्वार्ट्ज के रूप में ये चेंज हो जाता है, मतलब इसका एक परिवर्तन हो जाता है। ऐसे आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जेंसिस के रूप में हो जाता है, सेल स्लेट्स के रूप में। ऐसे इसका चेंज होकर के रूप में परिवर्तित होकर के और रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है, तो ये बेटा आपका रूपांतरित। इसके बाद में फिर क्या होता है, इस चट्टान में क्या होता है? मिल्टिंग होता है। और जब मिल्टिंग होता है, मिल्टिंग के बाद फिर ये मैग्मा मीन्स लावा, उसके बाद में फिर इसका कूलिंग और हार्डनिंग। इस तरीके से यह पूरा एक रॉक साइकिल की पूरी प्रक्रिया एक चलती रहती है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो कुछ आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो। इसमें फिर से आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सपोज करो कि कोई लावा का उद्गार हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? लावा का उद्गार हो रहा है। ये उद्गार होगा तो ये कहीं ना कहीं जब ऊपर लावा आएगा तो देखिए, लावा दो तरीके से, एक अगर ऊपर आता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, और अगर लावा अंदर ही ठंडा हो गया तो उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। तो जब लावा ये ऊपर आया तो आकर के फिर क्या हुआ, ये ठंडा होकर आया, ठंडा होकर एक ठोस पिंड बना लिया। तो जब ये ठोस पिंड के रूप में बना लिया, एक पिंड बना लिया, तो उसको हम क्या कहें बेटा? उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, मतलब अग्नि चट्टान। इसको इग्नियस रॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आग के समान लावा के ठंडा होने से बनता है। अब इसके ऊपर सपोज करो कि कोई नदी बह रही है। क्या हो रही है? कोई नदी, मतलब जल का प्रभाव है या तेज हवाओं का प्रभाव है। तो जब इसके ऊपर ठोकर मारेगा तो कुछ ना कुछ ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटता है उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स बोलते हैं। और जब ये सेडिमेंट्स का क्या होता है, सेगमेंटेशन या कम्पैक्टनेस, मतलब कहीं दब जाता है तो उससे वो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, मतलब एक सेट हो जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। उसके बाद में मेटामॉर्फिक, जब अग्नेय चट्टान हो, चाहे वो आपका क्या हो, अग्नेय चट्टान हो या आपका क्या हो, अवसादी चट्टान हो, चाहे अग्नेय चट्टान हो और चाहे आपका क्या हो, अवसादी चट्टान हो, तो इन दोनों में से अगर कोई है तो उस पर ताप या दाब काफ़ी समय तक अगर पड़ा रहता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। जय हिंद।